श्रीमंदिर खोल निष्पत्ति निगला श्रीलिंगराज मंदिर सहित राज्य विभिन्न जिले में धर्मानुष्ठान खोल निष्पत्ति कहीं कटक धर्मानुष्ठान खोल निष्पत्ति खास करी माँ कटक चंडी मंदिर माँ गड़चंडी मंदिर और विभिन्न धर्मानुष्ठान खोल कहीं जिला प्रशासन निष्पत्ति नहीं पार ना आज यही दाबी नहीं कि माँ कटकचंडी मंदिर सम्मुखें आज श्रद्धा मैंने दीप जाड़ी ये सीधा सड़क से विक्षोभ प्रदर्शन करी कर कि केवे मंदिर खोल कटक सहर में कहीं जिला प्रशासन व जिलापाल म्युनिसिपालिटी व कटक महानगर निगम कमिश्नर कहीं कौन निष्पत्ति नहीं पार ना कि मंदिर खोल के श्रद्धा मैंने आसवे दर्शन करेंगे माँ को दर्शन करेंगे और जो कोविड गाइडलाइन होती सब गाइडलाइन को पालन करके आम सब दर्शन करने प्रस्तुत अच्छे श्रद्धा मैंने कहते हैं सीधा सड़क आलोचना करवा प्रतिक्रिया ना ये जो श्रद्धा मैंने सब आस विक्षोभ प्रदर्शन करते आज जो प्रदर्शन कले विक्षोभ प्रदर्शन मुख्य दावी कौन रोचे आपर देखो सबुआड़े धर्मानुषान खोलीगले मात्र कटक अधिष्ठा देवी माँ कटक चंडी वर्तमान सुधा मंदिर खोल निष्पत्ति जिलापा नहीं पारे ना ता सहित कटक समस्त धर्मानुष्ठान खोल निष्पत्ति एवं जाए नहीं पारे ना कहीं विलंब करोना कौटी करोना आत मरात्मक अच्छी समस्त तो सब आम तो कटकना सह मानिक आम मंदिर को प्रवेश कराया आम भी चाहूँ कितु कहीं निष्पत्ति नेत विलंब सबुआड़े खोलें पूरी जाजपुर कटक कहीं कटक कहीं बंद अच्छे अभी जाए बंद अच्छे कहीं निष्पत्ति नहीं पार ना श्रीमंदिर भाई विश्व प्रसिद्ध जगह लिंगराज मंदिर ठू आरंभ कर जाजपुर बालेश्वर संबलपुर सबुआड़े खोल मात्र आम कटक एमती कि आम कटक एमती कौन खराब करोना बांटुच्छे आम कटक आज जाए बंद अच्छी बड़ मेडिकल ठू आरंभ कर हाइकोर्ट ठू आरंभ कर सबकि आम कटक शह शह हजार हजार लोक बाहर आसा बाहर राज्य बाहर आसी कौन करोना होनी ना कौन नेगेटिव रिपोर्ट देखिए आस आमे ही आमको करोना आम मंदिर खोल आम करोना हो कहीं आम कौन दिव देवता कौन करोना बांटुच्च कहीं अबिचार कौन पर निष्पत्ति अपारग निष्पत्ति जल्दी निष्पत्ति नियंतु जिते शीघ्र यही वर्ष 2020 रे आम कटक चंडी माँ मंदिर खोल जावा आम दाबी रखुचु कटकी भाव आम दृढ़ दाबी रखु जिलापाल तुरंत डिसेम्बर एंड भितर आमर कटक चंडी माँ मंदिर सह कटक्र समस्त धर्मानुष्ठान खोल जावाक आम दाबी मंदिर खोल निष्पत्ति श्री लिंगराज मंदिर खोल अन्य जिलार अनेक मंदिर खोल निष्पत्ति विचार विमर्श आरंभ हो कटक जिला प्रशासन एपर्त विचार विमर्श करना शुणु देखु यहाँ विचार करवा विचार करवा कहीक लोक भुआ बुलेवा तार पार्थक्य थाए भुवनेश्वर बीएमसी कहला कि सब मंदिर तीन तारिख रू खोल भुवनेश्वर गोटे बहुत बड़ा सिटी कटक सामने बहुत छोटो ताले कटक कहीं से जिनस है कटक भी बहुत मंदिर अच्छी आम अधिष्ठाती देवी माँ कटक चंडी ता सहित बहुत छोटो बड़ा मंदिर मस्जिद अच्छी तो चाहिए खोलें आम चाहिए दर्शन कर पारा कोविड गाइडलाइन देखिए खोलें लोक से ही हिसाब से आसवे से ही हिसाब से जी से सब जिन नक प्रशासन जी कह आम मंदिर बंद करदे कोरोना पलैब कोरोना हेनी के मो हिसाब से सब बड़ भूल जिनस मुझे एतिक प्रशासन को निवेदन करी यथाशीघ्र मंदिर खोलतु मंदिर मस्जिद जहाँ भी अच्छी धर्मानुष्ठान खोलतु ताफल कि लोक मैंने जब निजर धार्मिक भाव आमर गोटे धार्मिक भावना अच्छी आम आम गोटे अच्छी आम जा दर्शन करवा जा दिवदेवता दर्शन कर नक आम निजू भल लगे तो ये दिन आप बंद कले कोरोना आम ठीक अच्छे आम सपोर्ट कलु कोरोना थी कोविड थी बंद कलु प्रशासन जिते कहला जिते सरकार कहले कि नहीं जानुरी तीन रु मंदिर खोल आम से पदक्षेप भी आम बहुत स्वीकार कलु ताहले कटक से जिनस कहीं ना सरकार कटक एते कौन से मनोमुखी प्रशासन रही कि ना खोल भावे से सब कहीक लोक भुआ बुलाऊँ ता छड़ा कि नुह आम खाली एति की रिक्वेस्ट करा कि यथाशीघ्र माँ का मंदिर खोलतु सब मंदिर खोलतु धर्मानुष्ठान खोलें लोकों धार्मिक भावना को एत आघात दिंतु प्रतिक्रिया छुटे श्रद्धा मैंने कटकवासी मैंने जो प्रतिक्रिया रही है धर्मानुष्ठान खोल जाऊ हाथ प्लाकार्ड धरती से प्लाकार्ड दृश्य बर्तमान देखेबी जिलापाल तुरंत धर्मानुष्ठान खोल घोषणा करूँ कटकियां बोका बनवा बंद कर कटक समस्त धर्मानुष्ठान तुरंत खोल जाऊ आमर दाबी बर्तमान एभरी दाबी को लेकिन से हाथ में प्लाकार्ड धरते खाली एति की नुहे हाथ में दीप जाड़ दीप जाड़ी मंदिर सम्मुखें से नवेदन कर प्रशासन आमर जो नवेदन रही शुणु और तुरंत मंदिर खोल सहित कटक विभिन्न धर्मानुष्ठान खोल निष्पत्ति तुरंत जहाँकि श्रद्धा मैंने कटकी कटकियावासी कटकवासी मैंने दाबी करते निहत भाव में कौटा कौटी सब बड़ प्रसंग बर्तमान रही है केवे कटक विभिन्न धर्मानुष्ठान खोल अनेक जो रही दाबी रही से आगुरी कहते कि एवं भी से राजस्था को बर्तन ओल्लैंट दृढ़ प्रतिवाद जनाव जिला प्रशासन को गुहारी लगुच शीघ्र मंदिर खोल निष्पत्ति दृश्य बर्तमान देखुए जब कोरोना आरंभ होगा सेबू सरकार को गाइडलाइन अनुजाई
ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନେକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଖାସ କରିକି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ଅନେକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କଟକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉନି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, କଟକରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର? ନା, ସିଏ ବୋଧେ ଫେଜ୍ ଏ ଫେଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସରକାର ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କମିଶନର ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? କଟକିଆବାସୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯିଏ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନୁଛୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ରହିବ, ସେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖି ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିବେ, ଆମେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ରହିଛି କି ମନ୍ଦିରକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ, କଟକ ଯେତିକି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଥିବ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି କଟକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ରହିବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।